समाचार दिल्ली थी, ज्यां विपक्षी दळोनुं 20 સભ્યોનું ડેલિગેશન મણિપુર જવા માટે રવાના થઈ ગયું છે. મણિપુરમાં કુકી અને મૈતે સમુદાય સાથે વિપક્ષી દળનું ડેલિગેશન મુલાકાત કરશે. 16 પક્ષોના સાંસદો પ્રભાવિત ઘાટી અને પહાડી વિસ્તારની મુલાકાત લેશે. પ્રભાવિત લોકો સાથે વાતચીત કરશે ઇન્ડિયા ગઠબંધનના સભ્યો. ઇન્ડિયા ગઠબંધનના સભ્યો મણિપુરની સ્થિતિનો તાગ મેળવશે અને આ મુલાકાત બાદ સમાધાન માટે સરકાર અને સંસદમાં ભલામણ પણ કરશે. મણિપુરમાં 3 મે થી કુકી અને મૈતેઈ સમુદાય વચ્ચે હિંસા ચાલી રહી છે અને આ હિંસામાં અત્યાર સુધી 150 લોકોના મૃત્યુ થઈ ચૂક્યા છે. સુષ્મિતાજી અમારી સાથે, મેમ કિન ઇલાકો મેં આપ જાને વાલે જી? किन इलाकों में आप जाएंगे वहाँ पर? हम हिल्स में जाएंगे, चुराचांदपुर और इम्फाल वैली में. हम कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ कैंप्स तक हम पहुँच सके, क्योंकि आजकल मणिपुर की ज़्यादातर जनता रिलीफ कैंप में ही है. पर हर कम्युनिटी से हम मुलाकात करेंगे. मैम कुछ लग रहा है हालात बदलेंगे आपके दौरे के बाद? देखिए, हालात हम नहीं बदल सकते. हालात प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को बदलना है. पर इस हालात में हमारा जाना वहाँ कर्तव्य है, वो कर्तव्य हम पालन करेंगे. रिपोर्ट बना के आप टेबल करने वाले हैं? वो हम तय करेंगे. तो बिल्कुल, तमाम ये सांसद हैं, मंत्री हैं, नेता हैं, जो कि वो नेता जो कि विपक्ष के डेलीगेशन का हिस्सा हैं और मणिपुर जा रहे हैं और कह रहे हैं कि वहाँ पर देखेंगे फैक्ट्स क्या है और वहाँ पर रिपोर्ट जो है उसको बनाकर संसद के अंदर भी पेश किया जाएगा. नदीम के साथ जितेंद्र भाटी, विनय भदोष, दिल्ली. जैन चौधरी मेरे साथ हैं, उस डेलीगेशन का हिस्सा है जो कि मणिपुर जा रहा है. जैन जी, यहाँ से सीधा किधर जाने वाले हैं आप, किन इलाकों में? मणिपुर में जो रिलीफ कैंप्स हैं वहाँ लोगों से मिलने का एक प्रयास होगा और आप ही उनकी पीड़ाओं को समझने की हम लोग कोशिश करेंगे. आप भी उन बातों को जान पाएंगे जो चीज़ अभी तक यहाँ मुख्य धारा में नहीं आ पाई हैं और आप सोच सकते हैं कि उनकी क्या अवस्था होगी. जो लोग अपने घर को, परिवार को, गाँव को, सब कुछ छोड़ के आए हैं, जो पीड़ित हैं, उनकी बात मुख्य धारा में लाने की कोशिश. क्या वहाँ के गवर्नर या मुख्यमंत्री से मिलने का भी कोई इरादा है ऐसा? वहाँ जो पॉलिटिकल सिस्टम में जो लोग हैं वो आप ऑलरेडी जानते हैं. गवर्नर की अपनी एक महामहिम की अपनी एक जिम्मेदारी है. राष्ट्रपति को संज्ञान इस विषय का लेना चाहिए, लेकिन हमारे उनसे संवाद करने का उद्देश्य नहीं है. प्रशासन के लोग वहाँ हैं, हम लोग वहाँ लोगों से मिलने जा रहे हैं, जो मणिपुर के लोग हैं, जो भारत के लोग हैं, जो हमारे लोग हैं, उनके भी जाने की कोशिश. चुराचांग भी जाने वाले हैं? चुराचांग जगह? यस. परमिशन है? अब देखिए, रिलीफ कैंप में जाएंगे, परमिशन वहाँ प्रशासन की जिम्मेदारी होती है, वो दे. हम लोग यहाँ पॉलिटिकल सिस्टम से जुड़े हुए लोग हैं, मुख्यधारा के लोग हैं, यहाँ कई सांसद हैं, कई विपक्षी पार्टियों के प्रतिनिधि हैं, तो उनकी जिम्मेदारी बनती है कि रोक टोक काहे को करेगी. वो पूरा अवसर दे, लोगों को अवसर दे हमसे मिलने का और अपनी बात रखने का. लगता है हालात सुधरेंगे आप लोग के जाने के बाद? कुछ फर्क तो देखिए पड़ता है जब आप किसी को गले लगाते हो. एक ह्यूमन टच का प्रभाव होता है. मैं आपको ऐसे कंधे पर हाथ रखूंगा, देखो मुस्कुरा गए ना. अब जो वहाँ आदमी रो रहा है, जिनकी इतनी पीड़ा है, उनके बीच जब हम लोग जाएंगे, उनको लगेगा, उनको विश्वास उनके बीच बनेगा कि हमारी बात कहीं पहुँच रही है.